सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज एक बहुत बड़ी अपमानजनक घटना इस देश भारत में प्रदेश में हुई है। वो घटना ये है, एक लेखक है जिनका नाम है के विक्रम राव, पता चला है कि वो बामन हैं और उन्होंने एक अखबार है जन संदेश टाइम, जिसके मालिक हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और उसके संपादक हैं अनुराग कुशवाहा जी। इस अखबार में संपादकीय लिखी है और उस संपादकीय में उन्होंने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और सभी मौर्य साम्राज्य के राजाओं को कमजोर, असहाय और निर्बल कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सम्राट अशोक को दासी पुत्र भी कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा है कि सम्राट अशोक ने आक्रांताओं को भारत में आने का अवसर दिया, ये और अन्य बहुत सारी बातें कह करके अपमानित किया है। मैं पूरे देश के लोगों से, दुनिया के लोगों से, खासतौर से विज्ञानवादी, तर्कवादी, बुद्धिस्ट विचारधारा के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपके महापुरुषों पर, आपके पुरखों पर, आपके आदर्शों पर अगर कोई कीचड़ उछालता है तो उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन किसी भी नेता ने, किसी भी सामाजिक व्यक्ति ने एक मुंह खोलकर एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। मैं आह्वान करता हूं, अगर ऐसे ही मूक दर्शक बने आप देखते रहोगे तो कल ये तुम्हारे माँ बाप पर भी उंगली उठाएंगे, तुम्हारे आदर्शों पर भी उंगली उठाएंगे, बुद्ध पर भी उंगली उठाएंगे और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं बामन के विक्रम राव जी से कि अगर आपको इतना ही लिखने का शौक है तो कभी मनु पर लिखिए, जिन्होंने व्यवस्था चातुर्वर्ण की लिखकर इस देश भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाने का फार्मूला अपनाया। कुछ लोगों के हाथों में हथियार दे दिए, कुछ लोगों के हाथों में पावर दे दिए, बाकी बहुत बड़ी मूल निवासियों की आबादी को, जो भारत का मूल निवासी है, हक वंचित है, यहां का पुराना राजा महाराजा है, उसे शिक्षा से, धन से, हथियारों से वंचित आपने कर दिया। कभी लिखिए मनु पर, एक लेख मनु पर भी लिखिए कि मनु का इस भारत के लिए क्या योगदान है। अगर तुम्हें इतना ही लिखने का शौक है बामन के विक्रम राव जी, तो मैं चाहता हूं कि आप परशुराम पर लिखिए और लिखिए कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का हनन कर दिया, क्षत्रिय खत्म कर दिए। लिखिए कि परशुराम ने अपनी मां की हत्या की थी, लिखो ना। तुम्हें अपने महापुरुषों पर लिखना चाहिए, तुम दूसरों के महापुरुषों पर उंगली उठाते हो, कीचड़ उछालते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि जो भी सम्राट अशोक में विश्वास रखते हैं, उन्हें देवन प्रिय मानते हैं, उन्हें सम्राट चक्रवर्ती सम्राट मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का काम करते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि इस लेखक के खिलाफ FIR करिए। और जिस अखबार में ये लेख छापा गया है बतौर संपादकीय, उन लोगों को नसीहत हम देना चाहते हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं उसके मालिक और अनुराग कुशवाहा जी उसके संपादक हैं, कि कोई भी आपको लेख देता है पहले उसका अवलोकन करें, अध्ययन करें, पढ़ें, लगे कि तुम्हारे महापुरुषों पर कीचड़ उछाड़ने वाले लेख को आप अपने अखबारों में छपवा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, विज्ञानवादी, तर्कवादी, बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी इस जघन्य अपराध का वो जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो कोई भी व्यक्ति आकर के तुम्हारे महापुरुषों पर उंगली उठाएगा, उनके बारे में गलत सलत लिखेगा। हालांकि इतिहास लिखने का मौका इन्हें मिला, इन्होंने जैसा लिख दिया वैसा लोगों को पढ़ने से मिल रहा है। जब उस इतिहास को हम श्रीलंका के इतिहास से, बर्मा के इतिहास से और अन्य देशों के इतिहास से टैली करते हैं, तब पता चलता है कि इन्होंने बहुजन समाज के राजा महाराजाओं को, आदर्शों को, महानायकों को कितना कमजोर आंका है और उनका चरित्र चित्रण कितना कमजोर और घिनौना किया है। मिस्टर के विक्रम राव, होश में आओ। मैं जानता हूं कि तुम जहरीले हो, तुम्हारे मन में नफरत भरी पड़ी है। मैं अपील करता हूं कि ज्यादा लिखने का शौक है तो एक लेख मनु पर लिखो, ज्यादा लिखने का शौक है तो एक लेख परशुराम पर लिखो। तुम्हें अधिकार नहीं है सम्राट अशोक पर लिखने का। तुम्हारी कलम चल कैसे गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य को दासी पुत्र कहने वाला, आक्रांताओं को भारत में आने वाला, कमजोर, निठल्ला,
शर्म आनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सभी जागरूक लोग, सामाजिक लोग इसका जवाब दें और मिस्टर के विक्रम राव पर FIR करें। हो सके अगर संपादक महोदय और अखबार के मालिक माफीनामा पेश नहीं करते हैं तो अखबार पर भी FIR करने का काम करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आए दिन कोई भी तुम्हारे खिलाफ लांछन लगाएगा, तुम्हारे महापुरुषों के बारे में खराब बोलेगा और आप चुप बने रहोगे। मैं चाहता हूं जाग जाइए। अगर आप नहीं जागते हैं तो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आपकी हत्या हो ही रही है। जो कुछ बचा है वो भी तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। तुम्हारे महापुरुषों का चरित्र चित्रण ये 2% के बामन के विक्रम राव जैसे लोग करेंगे और दुनिया उसे पड़ेगी और इनको जवाब नहीं दिया जाएगा। मैं चाहता हूं जाग जाइए सम्राट अशोक के शेरों और इनको जवाब देने का काम करिए। होश में आ जाएं के विक्रम राव जी, अगर दोबारा हरकत ऐसी करने की प्रयास की तो हमारे लोग तुम्हें घर में घुस करके मारेंगे और तुम्हारी हिम्मत नहीं तुम कुछ कर पाओ अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।